फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनामिकास कुक बुक। आज भी लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट गर्मियों में एंजॉय करने के लिए चटपटा चाट की रेसिपी। ये देखिए, लग रहा है ना चटपटा, देखते ही मुंह में आ रहा है पानी। यकीन मानिए, देखते ही आप दौड़ेंगे बनाने के लिए। बहुत ही आसान है और गर्मियों में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते कैसे मैंने तैयार किया है स्वादिष्ट चटपटा का चाट। चटपटी चाट बनाने के लिए यहाँ पे ले लिया है मैंने 4 ब्राउन ब्रेड का स्लाइस। चलिए इसको कट कर लेते हैं। इसे हमें छोटे छोटे आकार में काट लेना है, जैसे छोटे छोटे पीसेस में क्यूब्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो चलिए इसे घुमा लेते हैं, घुमा के भी यहाँ से फिर मैं 4 बार इसे कट कर लूंगी, छोटे छोटे क्यूब्स बन जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जब हम कट कर लेंगे तो इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स बन जाएंगे। मिलती हूँ सारे ब्रेड को कट करके। तो ये लीजिए फ्रेंड, मैंने चारों ब्रेड के स्लाइस को इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए। तो चलिए अब इसे रोस्ट कर लेते हैं। तो हल्का सा मैं ब्रेड को रोस्ट करूंगी, आप चाहे तो ब्रेड को डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन डीप फ्राई से ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, फ्राई पैन में मैंने ले लिया है 2 चम्मच देसी घी, या फिर आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम डाल देंगे इसमें ये ब्रेड के क्यूब्स हमने कट करके रखा है, और इसे कम आँच पर अब सेक लेंगे। इस तरीके से रोस्ट करने से भी बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं। फ्रेंड्स, हल्के हाथों से इसे हम इस तरीके से चलाएंगे और कम आंच पे इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं अच्छे से इसे सेक के। फ्रेंड्स, ब्रेड को सेकने में टाइम लगेगा, तो तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ले लूँगी एक बोल, इसमें ले लेंगे 1 प्याज इस तरीके से कट करके, साथ ही ले लूँगी 1/2 खीरा या 1 कटोरी खीरा, वो भी इस तरीके से छोटे छोटे काट के। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टमाटर, इसके मैंने बीज निकाल लिए और इसको भी इस तरीके से कट कर लिए। जो भी वेजीज आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं, जैसा आपको चाट बनाना है। साथ ही इसमें डाल दूंगी 2 हरी मिर्च, वो भी इस तरीके से काट के। साथ ही डालूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ता फ्लेवर के लिए। आप इसमें कोई भी वेजीज डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा अंकुरित मूंग, ये रखा हुआ था मेरे पास तो मैं ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये हमारे चाट को और हेल्दी बना देगा, साथ ही स्वाद तो बढ़ाएगा ही। तो चलिए अब इसमें ऐड करते हैं नमक। तो मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, साथ ही डाल देंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 टीस्पून डाल दूंगी काला नमक, इससे स्वाद अच्छा आएगा। और इसका स्वाद और इन्हेंस करने के लिए मैं डाल दूंगी इसमें 1 चम्मच इमली की चटनी। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम डाल देंगे इसमें 1/2 नींबू का रस या 1 चम्मच नींबू का रस। बस कुछ नहीं करना, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही ब्रेड हमारे सिक जाएंगे हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे इसके साथ, मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। क्योंकि ब्रेड को हम इसके साथ मिक्स करके नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो वो सॉगी हो जाएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए ब्रेड को देख लेते हैं, वो भी अच्छे से सेक के तैयार हो गया होगा। ये फ्रेंड, बीच बीच में मैंने ब्रेड को चला दिया था और ये देखिए कितने क्रिस्पी से हो गई हैं, आवाज़ में सुना रही हूँ आपको। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे भी हम खीरा टमाटर वाला जो हमने मिक्सर बना के रखा है उसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें सब कुछ तो मैंने मिक्स कर ही दिया था, तो अब हम लास्ट में ऐड कर देंगे ब्रेड के क्यूब जो हमने सेक के रखे। इसको तभी ऐड करना है जब आपको इसे सर्व करना हो, क्योंकि अगर आप इसे मिक्स करके रख दोगे तो हमारा जो चाट है वो सॉगी हो जाएगा। तो इसलिए इसे ऐड करें और सर्व करें। तो चलिए मैं ऐड कर देती हूँ, सारा मैं इसी में डाल दूंगी और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे खीरा प्याज टमाटर के साथ। तो ये देखिए झटपट से हमारा ये चाट बन के तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी। गर्मियों में जब आपको कुछ भी बनाने का मन ना करे ना, झटपट से बनाएं और इन्जॉय करें हेल्दी के साथ साथ चटपटा भी। तो लीजिए फ्रेंड, तैयार हो गया हमारा चटपटा ब्रेड का चाट, इसे झटपट से सर्व करें, इन्जॉय करें। चटपटी चाट हमारी बनके तैयार है। मैं इसे गार्निश कर दूंगी थोड़े से सादी बूंदी से और थोड़ा सा डाल दूंगी बारीक वाले सेब।
तो लीजिए फ्रेंड, झटपट से बनके तैयार है, इसे एंजॉय कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी इजी और यूनिक रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ ऐसी यूनिक और इजी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।